पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र चाय बागानों से घिरा है। आदिवासी समुदाय की जनसंख्या अधिक है। पत्ता तोड़ने, फड़ुआ चलाने, मजदूरी और फैक्ट्री के कार्य में कार्यरत हैं। चाय बागानों में पत्ती तोड़ने में महिलाएं दक्ष मानी जाती है। हर दिन चुनौतियां, समस्याएं, किस प्रकार संघर्ष करते हैं? राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को शामिल करें चाय बागानों की, आइए जानते हैं इनसे इन्हीं की जुबानी। राजनीतिक पार्टी मना है से मन अपने कर जे मुद्दा है, जे घोषणा पत्र है, से कर में तोहरे कर समस्या के का समस्या के रख पाए ऐसा तोहर उम्मीद है का रखे के चाहिए? हमरे कर तो है कमाई कमाई अच्छा से कमवा बाए, हमने कर बगान मन के अच्छा चला बाए, उसे ने हमरे तो सोची ला असुविधा तो बहुत है, सब चीज कर एखन जितना भी आवे ला ओकर में तो खाई के पेट में चल जाए, छुआ मन के भी अच्छा से पढ़वाई नहीं सकी ला, खुला रहे से खाने बहुत चीज पावना रहे से चीज मन के नहीं मिल ला जिसन रेशन रेशन पावना रहे, रेशन बहुत बैच रहे, तालाब बैच रहे, बहुत बानस बैच रहे, बानस देवे कर आगे तो बागान के बांध के दिलाए, वोट लेवे का है तो बागान के पहले खुला। राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को रखे? जो भी राजनीतिक पार्टियां यहां पे आ रही हैं, जो इस बार संसद बनेंगी, उनसे हम लोगों का ये आग्रह, ये आशा भी है कि कम से कम बगान के बगान में जो महिला लोग अपना ग्रुप बना के जो चला रहे हैं उसको कोऑपरेटिव सिस्टम ला के, कोऑपरेटिव के द्वारा वो बगान को इन्हीं के माध्यम से यही लोग चला सकते हैं, खुद ही मालिक बन सकते हैं, ऐसे कुछ व्यवस्था अगर करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, ये आशा हम लोग रखते हैं। क्योंकि जितने भी कंपनियाँ बाहर से आती हैं बहाना बना के वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, कभी इनका पीएफ काट के रखते हैं, कभी ग्रेजुटी काट के रखते हैं, कभी बोनस नहीं देते हैं, कभी मिनिमम वेज कम से कम लागू कराने का कोशिश किया जाए, लीजलेस होकर पड़ा हुआ है, इससे कम वो लोग जो है इनको पट्टा दे दें। कैसा स्थिति है तो हमारी स्थिति ये पता पता ही तोड़ो थी बेचो थी, बगान इतना दिन से बांधा है, कोनो सुख सुविधा हमें के नहीं दे रहा है, कच्चा है, लेकिन कैसा समस्या होते तो क्या समस्या होती? हमारा तो समस्या अब कैसा हो गई, वहाँ को है लेकर खराब ही चालो थे, सुखे दुख आए सुख तो नाखी तलब मन तलब तक आप कहाँ पाओ बाबू है, लेकिन फैक्ट्री तो बंद है। हाँ दूसरा बटे जाते पते ही गो, दूसरा बागान में, दूसरा बागान में जाते पते ही बिक्री कराते, अब यहाँ तो कहाँ से पीछा घसा है, यहाँ तो अब बांधे ही जाए, तो हमें मन सोचते थे वोट नहीं दो, आप काले काले वोट दब, हमारा बागान नहीं खुली, हमारे कोनो में हमारे सुख सुविधा नहीं पा होती तो वोट दे की का कर, सरकार खोले नहीं पा रहा थे हमारे बागान के, तो हमारे वोट सरकार के काले दो, कानून से जो पावना है हम नहीं कर लेन देन है तो ले वो दूसरा तो और कोनो नहीं लो, मोर बेटा जा रहे है भोटा में रहत रहे, सात आठ महीना हो ला का से बीमारी है क्या ना, लास्ट में मोहे माए हर तने को ठीक कर दे, खुला बागान रहता खुले हम नहीं कर रहे खाना ये पैसा मन कटाता तो जिर जुटी पैसा मान सब कुछ होता का से तो अखन हमारे कोनो नहीं हुआ थे, तो बहुत दिन मुई रह रहा भी गला पैसा कौड़ी भी निकला भी नहीं पार लें, खाइक भी नहीं पार लें, कमाए के भी खा नहीं सक लें, बागान बांधे में मुर गलन तो और का पाऊ। बचपन से ही चाय बागान में काम करते आया हूँ, इसीलिए चाय बागान का मूल समस्या ये सरकार आने के बाद 10 गुण ज़्यादा हम लोग हजीरा टू बढ़ाया है, और अभी भी हम लोग का ये मिनिमम वेज के विषय में हम लोग का चिंता भावना है, कल लेबर मिनिस्टर को बताया गया है, हम लोगों का मुख्यमंत्री को जानकारी है, हमने जो तैयार किया है उसमें सादरी भाषा है और साथ ही साथ उनका जो जमीन का जो पट्टा है तो ये भी एक हमारा अहम मुद्दा में से है, बागान क्षेत्र में तो उनका जो मिनिमम वेज है तो उनको लेकर भी हमारा लड़ाई है, भी बागान को बंद बागान हो खुला बागान हो जमीन का पट्टा को लेके कभी भी सरकारी दल या फिर विपक्षी दल कोई भी इस मुद्दे को आगे लाने की कोशिश नहीं की है। मिनिमम वेज जिसको हम लोग न्यूनतम वेतन बोले जाते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में आज से 50 साल पहले ही हो चुका है, चाय बागान से रिलेटेड है, उनके लिए ये अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। वेस्ट बंगाल में ही अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें मिनिमम वेज लागू है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है सही,
हाँ, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं आते हैं हमारे पास। चाय बागान की जो स्थिति है उसके लिए आपका क्या परिकल्पना है? मेरा, मैं ही चाय बागान से ही उठा हूँ और इसी को लेके ही मैं, मेरा पहचान मिला है चाय बागान को लेके। और जब तक चाय बागान का समस्या नहीं होता है, मैं आने वाला दिन लड़ाई करते रहूँगा और लड़ाई करके ही इन समस्या का, जितना भी समस्या है, जीत के पार्लियामेंट बैठ के मैं टेबल ठोक के इनका समस्या का समाधान करूँगा। आप लोग का इलेक्शन कैंपेन का चाय बागान लेके मैनिफेस्टो क्या है? मिनिमम वो जमीन का पट्टा फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, यही है हमारा। देखने की बात होगी आने वाले सरकार इस मुद्दा पर क्या कदम उठाती है। ठीक, अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल से मैं हरिहर नागवंशी, इंडिया अनहट के लिए।